बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। हट जो डक्स हट जो। तो यार अभी ना कबूतर को देख लेते हैं यार, जिसको कल किंग ने मारा था ना, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। तो यार ये सामने बैठा है भाई, ये वाला कबूतर है, ये वाला। तो यार अभी बेहतर लग रहा है, बिल्कुल जो है ना एक्टिव है। तो अभी इनको निकाल ही देते हैं। आ जाओ। तो यार ये वाला कबूतर था, माशाल्लाह उड़ भी रहा है यार। तो यार इसका मतलब अब ना ये काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल लग रहा था कि यार ये ना काफ़ी मुश्किल से बचेगा, क्योंकि यहाँ से सारा जो है ना फट चुका हुआ था। यार हम लोगों ने पायोडीन लगाई थी इसको, और अभी जो है ना ये देखे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है। वो वहाँ पे चला गया भाई उड़ के। इधर चेक करें यार, इनके काम चेक करें भाई, पागल हुए हैं सारे ही लाड़े हैं। ये देखे भी कुछ नीचे बैठे हैं और कुछ ऊपर ही। यार अभी अभी उन्होंने बाजरा रखा है, तो उस पर जो है ना सारे चले गए। अभी चूज़ों को भी निकाल देते हैं। आ जाओ, शुक्र है भाई साहब इनके पार नहीं है, वरना इन्होंने भी उधर ही भाग जाया करना था। चलो दरवाज़ा इसका बंद कर देते हैं। हट जो। बदतमीज़, चलो। तो यार अभी चूज़ों को ना यहीं पर ही दाना डाल देते हैं थोड़ा सा। आ जाओ भाई, ये लो, आ जाओ इधर, आ जाओ, ये लो, चलो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। चलो यार काफ़ी सारा दाना इनके लिए, इनको आराम से ना यहीं पर ही खाने देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं भाई। ओए हट जाओ, चलो। तो यार एक तो मुर्गियाँ लड़ती बहुत हैं भाई, आ जाओ। पहले अच्छी पहले इनकी दोस्ती थी कहानी की और इस ब्राउन मुर्गी की, लेकिन अब जो कहानी है ना ये मारना शुरू हो गई। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ। चलो इसको यार लोग ही कर देते हैं। यार किंग को हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर बंद कर दिया था शाम को, क्योंकि नीचे जो है ना इसने शाका या शिकरे से लड़ते रहना था। और यार एक और मसला मुझे देखने को नज़र आ रहा है, और भाई ये मसला कुछ ऐसा है कि मुझे कोई समझ नहीं लग रही भाई। ये चेक करें, ये वो छोटी वाली मुर्गी है जो मेरा ख्याल है फरदीन भाई लाए थे 4-5 दिन पहले, और ये दोनों जो मुर्गियाँ ना, ये जो कल मैं भाई ने दी थी ना, ये वो वाली मुर्गियाँ। अब मसला ये है कि भाई इस केज में भी अंडा पड़ा हुआ है भाई। अब ये पता नहीं किस मुर्गी का है, इसका तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये अभी पट्टी है, बिल्कुल छोटी सी लगती है, और ये अंडा भाई काफ़ी बड़ा है। और ये दोनों जो मुर्गियाँ ना, भाई ने हमें नहीं बताया कि ये अंडे दे रही हैं, क्योंकि इनके साथ मुर्गा ही नहीं लगाया हुआ था उन्होंने। अब पता नहीं, या तो इन दोनों में से ये अंडा किसी ने दे दिया, या फिर उसमें से दे दिया, या फिर हमारी बाहर वाली किसी मुर्गी ने ना अंडा दे दिया इसमें से, या इसमें से, या उसमें से, पता नहीं यार। अब अंडे इतने ज़्यादा ही जा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं लग रही भाई कौन सी मुर्गी दे रही है। एक ये वाली भी है, यानी कि भाई ढेर सारी मुर्गियाँ और सारे अंडे दे रही हैं, कोई समझ नहीं लगती कौन सी मुर्गी कहाँ पर अंडा दे रही है। ओ भाई लड़ाई हो गई है, चलो 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 बाहर निकलो बाहर, अंदर मार ना देना एक दूसरे को भाई अंडा। चलो 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 हट जाओ, चल बाहर चल बाहर आ जाओ। ओ ताडी की हो गया, ओ भाई फिर लड़ पी, बाहर निकलो, चल बाहर चल बाहर बाहर आ जाओ। चलो भाई, ओए यार पागलों की तरह समझ ही नहीं लगती कौन सी मुर्गी किससे लड़ रही है। वो फिर जा रहे हैं, तू इधर चल भाई। उफ, ये मुर्गी ने भाई अंदर जाके अंडी कर दिया, मिट्टी मिट्टी कर दिया सारी। तो यार ये अंडा जो है ना ये भी अंदर रख देते हैं भाई, पता नहीं किस मुर्गी का, लेकिन रख देते हैं। ओ लो जी, अंदर एक और अंडा भी पड़ा है। अब ये भाई पता नहीं किसका है। तो यार खैर हम लोगों ने बच्चे निकलवाने हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि सिर्फ ना किंग के बच्चे आते तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी सारी मुर्गियां जो है ना यार वो मिक्स हो चुकी हुई हैं, कोई समझ नहीं लगती कौन सी मुर्गी कहाँ पर अंडा दे रही है और कौन सी कहाँ पर दे रही है। खैर अंडे अंडे जो है ना ढेर लग जा रहे हैं, एक अंडे के छिलके ये नीचे भी पड़े हैं, ये अंडा भी भाई उठा हुआ पड़ा है, पता नहीं किस मुर्गी ने दिया और फिर किसने तोड़ा है। क्या यार समझ ही नहीं लग रही यार, मैं सोच रहा हूँ अंडों का जो है ना कारोबार शुरू कर देता हूँ। इस टाइम जितनी मुर्गियाँ मेरी अंडे दे रही हैं ना भाई, दिन के कोई 4-5 अंडे रोज़ के बेचूंगा ना, तो अच्छे खासे भाई पैसे मिल जाने मुझे। खैर मैं सोच रहा हूँ भाई चूज़ों को फारक रहता हूँ, मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं भाई कारोबार करते हैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ अब जो है ना मुर्गियों को भाई इस केज में लाते हैं, दो दो मुर्गियाँ एक एक केज में होंगी ना, तो फिर समझ लग जाएगी कौन सा अंडा किस मुर्गी का है, ताकि फिर जो है ना हम अंडे सेपरेट रख सकें और फिर बच्चे करवाने में भी आसानी हो। अभी ये केज जो है ना बिल्कुल फ्री करता हूँ और मुर्गियों को यहाँ पर सेट करता हूँ। चलो भाई किंग इधर आ जाओ, इधर इधर चलो अंदर आ जाओ, चलो शाबाश, चलो भाई बाहर आ जाओ, चलो उधर चले जाओ, अब मार खाओगे वरना। उधर से शाका से डर, इधर किंग से डर है। चलो इस मुर्गी को भी बाहर निकालते हैं, देखे चील की तरह भाई बैठी है अंदर। चलो आ जाओ बाहर, तुम उधर चले, चलो लड़ना नहीं है तुमने। यार एक तो समझ नहीं लग रही भाई अब कौन सी मुर्गी को इसके साथ बंद करूँ। खैर किंग को निकाल दिया, ये केज फ्री हो गया। इसमें यार ये बीमार जो है ना चूज़ा बेचारा बैठा हुआ है, बेचारा अपनी जान की जो है ना आखिरी बाजियाँ लड़ रहा है। इसको क्या करें भाई, इसको इसको इसको, हाँ इसका भी मैंने सोच लिया भाई, इसका क्या करते हैं अभी सोच लिया मैंने। चलो 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 चलो, ये रहा केज। कैट ट्रैप जो है ना यार, इसको लेके जाते हैं उस चूज़े को ना, इस कैट ट्रैप में बंद कर देते नीचे।
चलो भाई बोलो, वो दोबारा भाई उधर लड़ रहे हैं, पता नहीं यार ये क्या सिस्टम है। खैर इनको नीचे जाकर छुड़वाते हैं। चलो भाई तो यार अभी जाना, मैं केज नीचे लेके जाता हूँ। भैंस की तुम चलो ओ चलो इधर किस तरह छोड़वाऊँ भाई, एक मिनट यार। यार किंग को दोबारा ना पकड़े, मैंने यहाँ पर बंद कर दिया भाई। अभी तो आप लोग कहते हो कि एक मुर्गा और लाओ, डाकू को भी लाओ भाई। अभी तो आज शिकरा जो है ना थोड़ी सी शराफत में खराब है। ओए यार ये काम तो बड़ा ख़राब है यार। ओ भाई दूसरी बहन कहाँ है तुम्हारी? तो यार एक तो ये घूम रही है, अब दूसरी वो नहीं है भाई, इसकी जैसी दूसरी है। नहीं यही है, ये है भाई, एक ये और एक वो है, ये नहीं है भाई। कन्फ्यूजन हो गया दोबारा से, वो कोई और मुर्गी है भाई। किधर ये तो नहीं है भाई। हाँ ये बिल्कुल सेम वैसी है भाई, कॉपी। आ जाओ चलो शाबाश बच्ची, हट जाओ भाई चूजो आ जाओ। चलो भाई इन दोनों को करते हैं यहाँ पर बंद। चलो अंदर यार, ये नई मुर्गियों को यहाँ पर अब मैंने फिक्स बंद कर दिया, पक्का यहीं पर ही। चलो भाई छोटे भाई आ जाओ यार, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे दूसरे केज में छोड़ दो। इसको यार यहाँ पर बंद करते हैं कैट ट्रैप में भाई। चलो यूँ चलो अंदर चले जाओ, अंदर खुद ही चले जाओ। चलो मेरा एक हाथ है भाई, चलो अंदर। चलो भाई ये तुम्हारा न्यू केज है, आपसे इनको लगी हुई है प्यास, तो पानी यार इनको रख देते हैं। ये लो भाई पानी तुम पियो फिलहाल, ये वाला ये लो पकड़ो, ये नीचे किसी को डाल देंगे भाई, पी रही हैं। चलो अच्छी बात है। ओ भाई साहब एक मुर्गी तो यहाँ पर भी बंद होगी भाई। हाँ ये रही यार, सबकी मास्टर तो यहाँ पर बंद है अभी, शुक्र है ये नहीं खुली भाई, वरना फिर ठा ठा की आवाज़ें आ रही होनी थी यार साइड से। कानी मुर्गी को अंदर कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं बाहर। जैसे भाई शाका भी है तो ये भी डर है भाई, अजीब ही। चलो भाई आ जाओ, तुम किधर अंदर घुसी हुई हो? किंग हट जाओ जरा, आ जाओ। चलो बैठो, आ जाओ कानी, आ जाओ अंदर, आ जाओ शाबाश भाई, किंग के पास आना चाहिए इसको। आ जाओ शाबाश। चलो भाई किंग तुम दोनों इस केज में हो भाई अब। तो यार अब ये इधर आ गया भाई शाका, अब इसके साथ किसको बंद करना है भाई, अब ये भी कन्फ्यूजन है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ इन मुर्गियों को इसके साथ फेंक देता हूँ भाई। चलो भाई अब इनको इधर कर देते हैं भाई, अब दोबारा से ये केज फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, अब इसमें किसको बंद करें यार। अभी शिकरा भी है भाई। तो यार ये खैर यार बड़ा मसला चल रहा है यार, कोई समझ नहीं लग रही किसको कहाँ पर बंद करूँ। केजेस हैं नहीं, मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा कि भाई कोई समझ ही नहीं लग रही कौन सी मुर्गी है। ये मुर्गी भाई पंगे लेने आ गई है इधर न्यू मुर्गियों से, इसको पकड़ के यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो यार इस मुर्गी को यहाँ पर बंद कर दिया, और शिकरा जो है ना यहाँ पर मुझे खुश नज़र आ रहा है। चलो भाई हट जाओ। चल शिकरे अब से तेरा यही केज है भाई, इसको यहाँ पर बंद कर। चलो भाई एक ये ब्लैक रह गई है और एक वो ब्राउन रह गई है, इनको यार बाहर ही घूमने देता हूँ, इनको शाम को कुछ करेंगे इनका। तो यार इधर ना डक्स को भूख लगी है, तो यार ये रोटी मैंने सुबह रख दी थी यहाँ पर। आ जाओ इधर। तो यार इनको यहाँ पर ना रोटी डाल देते भाई साहब, आ जाओ। ये लो चलो। ओए मुर्गियों की भाई स्पीड चेक करें मुर्गियों की। चलो यार यहाँ पर ना इनको डक्स को खाने देते हैं पहले। चलो निकाल दो। तो यार हमारा जो गोल्डन वाला कबूतर का बच्चा ना भाई वो निकल गया, ये रहा। तो यार ये पता नहीं कितनी देर से भाई ऊपर ही है, इसको हम लोग काफ़ी टाइम से यार उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कबूतर हम लोगों ने साथ छोड़ा, अब आएगा नीचे। ओए हो तो यार इस साइड पे भाई गायब हो गया था फुल, नीचे कहीं बैठ रहा था, तो आ गया वापस। आ जा जल्दी से आ जा। ओए हो यार अभी ये छोटा, इसमें इतना दिमाग नहीं है, अभी इसको ना उड़ाया करो, खुद उड़ाइए, खुद ही उड़ा। तो उस साइड भी इसने उतर जाना था अभी, उतरने। चलो चूज़ों को भी निकाल दो। तो यार चूज़ों को भी निकालते बाहर, अभी आ गया भाई वापस। चलो भाई आ जाओ बाहर, चलो। यार बात सुनो, ये चूजे ना लड़ते हैं, क्यों अलग करते हैं? ये देखो ये भी एक गंजा हुआ है, और भी ये गंजा इसके वैसे नहीं बाल आए होंगे अभी। नहीं वो देखो यार और भी हुए हैं, ये लड़ते हैं, इनको अलग करते हैं बड़े। तो यार ये क्यों अब लड़ने लग गए यार, पता नहीं क्या है अब। तो यार छोटे छोटे से चूजे भाई लड़ लड़ के चेक करिए, गंजा हुआ है, ये वाले के भी बाल ऊपर से उतरे हुए हैं यार, इनको सेपरेट कर दो फिर। जो जो छोटे है ना उनको, वो देखो वो मार रही है उसको, वो उसको भी पकड़ लो।
तो यार छोटे छोटे से चूजे भाई इन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया। तो यार वो सामने चेक करें भाई, किसी का कबूतर आगे बैठे, ऊपर बिठा दो इनको, ऊपर बिठा दो। बस 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 बस, चलो 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 चलो। तो यार कबूतर जो है ना भाई, कोई बाहर का ही है, इधर का ये कबूतर नहीं है ना, इधर का नहीं है। तो यार वो चेक करें भाई, बड़ा ही ना प्यारा सा कबूतर है भाई, बड़ा सारा। अभी देखते हैं भाई, इधर को आ गया ना यार, तो ये कबूतर पकड़ के आज। सुफियान भाई अभी ऊपर छत पे दाना फेंक रहे हैं ताकि वो ना ऊपर ही लैंड हो जाए देख के। हाँ बताओ, कबूतर जो है ना भाई उतरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है, देख रहे हैं, फेंको ओ बाज, ऊपर बिठाओ ना कबूतरों को, उड़ाओ ना नीचे, तुम उड़ जाओ उड़ जाओ। गए हैं ऊपर, देखो जरा। हाँ जा रहे, हाँ जा रहे, सारों को डराओ कबूतर। वो सामने बैठा हुआ है, देख रहा है, इधर ही देख रहा है, हाँ इधर ही देख रहा है। फेंको, फेंकी जाओ, फेंकी जाओ। आज 100-200 का बाजा खत्म कर देना, लेकिन कबूतर पकड़ना जो मर्जी हो जाए। चलो कोशिश करते हैं। हाँ कोशिश करो, वो देखो वो भी जाने की कोशिश कर रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी कहाँ गया, वो है सामने, उतरने वाला है भाई, उतरने वाला है, बस देख ही जा रहे ये तो। सुफियान भाई फेंकी जाओ, फेंकी जाओ। बाजे जितना मर्जी लग जाए लेकिन कबूतर पकड़ना है आज, देखता हूँ मैं, देख तो इधर ही रहा है। चलो अब ना तुम दाना फेंको। तो यार मैंने काफ़ी सारा दाना फेंका है, लेकिन मेरा ख्याल अगर आना होता ना आ जाता अभी, तो अभी देखते हैं इधर से, मैं उसका मूड देखता हूँ। ओए मूड तो भाई उसका पूरा इधर आने का भाई साहब, वो इधर आने का मूड है उसका। तो यार या तो ये थोड़ी देर शाम तक बैठा रहा ना, फिर भी उतर जाएगा ये, इधर आ जाए साथ में। शाम तक बैठा रहा, इसको खुद ही जाके पकड़ लेंगे। क्या कह रहे हो? अगर शाम तक बैठा रहा फिर खुद ही जाके पकड़ लेंगे, फिर तो पकड़ लेंगे ना। अभी साथ में इधर आ जाए, साइड पे आ जाए, हो सकता है तुम्हें देख के ना आ रहा हूँ। बाजरा फेंक दिया। ओए आराम से आराम से आराम से, ओए भाई जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है। वो सामने बैठा है भाई साहब, पूरा मूड है उसका। नहीं नहीं पानी नहीं रखना, ऐसे ही आ जाएगा, दाने पे ही आते होते हैं कबूतर। तो यार है भाई साहब बड़े प्यारा भाई, अजीब ही कलर है भाई, हमारे पास ऐसा कोई कलर का कबूतर नहीं है भाई। वो जाने लगा, मुझे लगता है उड़ने लगा भाई। वो मेरा ख्याल है उसने दाना वगैरह खा लिया हुआ कहीं से, उसको भूख ही नहीं है। बस बस करो, बस करो, बस करो, इतना ना फेंको। पता नहीं आता भी आया नहीं आता, अभी यार ऊपर ही बैठा हुआ है। तो यार सारे कबूतर हम लोगों ने नीचे उतार लिए हैं, वो वाला कबूतर जो है ना भाई उस दूसरी साइड पे कहीं चला गया, अभी ना नज़र नहीं आ रहा। चलो खैर आना होता तो आ जाता, डालो इनकी कोई सारा दाना डाल दो। तो खैर यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अरे नहीं आना, आ जाओ। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को याद से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।